हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में फुल का 150 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। फुल का 150 mg टैबलेट का मुख्यतः उपयोग फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सिप्ला कंपनी की एक टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 13 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। फुल का 150 mg टैबलेट में फ्लुकोनाजोल IP 150 mg यह कंटेंट समझते। इसमें मौजूद फ्लुकोनाजोल यह ड्रग फंगस को प्रोटेक्ट लेयर बनाने से रोकने का काम करता है, साथ ही उसे किल कर उसे दोबारा होने से भी रोकता है। बात करते इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। फंगल इन्फेक्शन होना एक बहुत आम बात होती है। मनुष्य में फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब उसके बॉडी में किसी हिस्से में फंगस लग जाती है और यह इतनी बढ़ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता, तब डॉक्टर उस टैबलेट का इस्तेमाल उसे खत्म करने के लिए करते। इसे क्रिप्टोकोकोसिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। क्रिप्टोकोकोसिस यह फंगस के कारण होने वाली समस्या है जिसे क्रिप्टोकोकोसिस नियोफॉर्मेंस भी कहा जाता है। यह बिना धुले फलों और कबूतर के विच्छेदन के संपर्क में आने से होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते। इसे कैंडिडा इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। कैंडिडा इन्फेक्शन को हम ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। कैंडिडा एक प्रकार का फंगस होता है जो स्किन में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। कैंडिडा इन्फेक्शन आपके खून से शरीर में अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते है। इसे एथलीट फुट की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पर हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में होता है। यह आमतौर पर उन लोगों को ज्यादा होता है जिनके पैर फिटिंग जूतों में ज्यादा रहते हो और उनके पैरों में पसीना ज्यादा आता हो। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते। इसे दांत की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। इस टैबलेट का इस्तेमाल नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। इसे स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। यदि आपकी स्किन में कोई कट या खरोच लगी हो तो आपको इससे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। जब आपकी त्वचा इन्फेक्टेड होती है तब आपको त्वचा में जलन, लालिमा, खुजली या फिर पस निकलना आदि लक्षण होते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल UTI इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए भी करते हैं। UTI इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसे योनि का इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखे दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट हफ्ते में एक बार एक निश्चित समय पर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज करें। इसे खाली पेट इस्तेमाल करने से आपको घबराहट, चक्कर आना, मितली, उल्टी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज करें। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, अपचन, सिर दर्द ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन, टैबलेट या विटामिन का सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंटरेक्शन
या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। ड्रग इंटरेक्शन की समस्या में इस टैबलेट का प्रभाव कम हो सकता है और ये टैबलेट अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। और ओवरडोज की समस्या में आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी, मितली, पेट दर्द, पेट में जलन, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। इसलिए हमेशा अपने अदर मेडिसिन की इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे और इस टैबलेट का इस्तेमाल उनकी सलाह के अनुसार ही करे। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट का यूज न करे। बहुत से डॉक्टर इस टैबलेट को गर्भवती महिला को प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर आपके डॉक्टर ठीक समझे तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। इसे अपने मन से घर पर यूज न करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रूल्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।